कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण विरोधी बयान में आरक्षण खत्म करने के बारे में बोलने पर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया ज्ञापन। बस्ती विधानसभा क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष नगर मंडल बस्ती जगदीश बढ़िया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीना को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण विरोधी बयान में आरक्षण खत्म करने के बारे में बोलने पर सभी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्व समाज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी राम अवतार कुलदीप, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल मीना, नगर महामंत्री विष्णु बनचोली, महामंत्री भवानी सिंह, नगर उपाध्यक्ष कैलाश डांगरवाड़ा, सुधीर चौधरी, राजा बाबू रेगर, महेंद्र बैरवा, हरिमोहन पटेल, सूरज कालवानिया, रामचरण कालवानिया, लोकेश वैष्णव, राम निवास गुढ़ा व काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा कि वो आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन उस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्य की अपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज जो बस्सी उपखंड अधिकारी को आपने राष्ट्रपति के नाम जो आरक्षण मामले को लेकर जो ज्ञापन दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भारत में जब चुनाव होते हैं, राहुल गांधी ये बोलता है कि हम आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण को के पक्षधर है। और जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि हम राजस्थान के में आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। और जब राहुल गांधी का दोगलापन है, जब वो अमेरिका यात्रा पे जाता है, वहाँ पे एक जब पत्रकार बंधु उनसे पूछते हैं कि आरक्षण के, भारत में आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि भारतीय आरक्षण आरक्षण पर हम ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ी तब हम आरक्षण खत्म कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का ये दोगलापन ये नहीं चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पूरी कांग्रेस ने दोगलापन किया। जब बाबा साहब जब 1952 लोकतंत्र के चुनाव लड़े, जब बाबा साहब को टिकट कांग्रेस टिकट नहीं दिया, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनके सामने उन्हीं के मुंशी चुनाव लड़े, पार्टी को टिकट दी और टिकट दी, उनको हराने का काम किया जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब लोकतंत्र चुनाव 1954 में हुए, 54 में उनके साथ ऐसा हुआ, उनको टिकट नहीं दिया गया है, वो टिकट न देके उनके किसी और वकील कांग्रेस को टिकट देके और उनको हराने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये हमेशा ये पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी एक दोहरी नीति का काम करते हैं। यहाँ पे तो कुछ और बोलते हैं, विदेश में जब कुछ बोलते हैं, जब हमेशा बाबा साहब ने हमेशा देश के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ी। और आज जो गरीब तबके किसी वर्ग का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी तबके का हो, जो गरीब व्यक्ति है उनको लिए अगर काम किया तो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। आपका शुभ नाम? राम अवतार कुलदीप, एससी मोर्चा प्रदेश कार्यालय परवारी।